गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है वो है क्लास टेंथ की। उसके नेत्र के कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। जैसे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, और लेंथ नेत्र जो होते हैं नेत्र की कोशिका, मतलब जो रेटिना होती है रेटिना की कोशिकाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो अच्छा, आपने ये देखा होगा कभी कभी अगर हमें जब बहुत ज़्यादा अगर आपके आंखों पे क्या हो थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश आ जाए तो आपकी आंखें थोड़ी सी लगेंगी कि हमारी झुक गई। एक पलकें भी बंद होती हैं लेकिन लगेगा कि हमारी जो आंख है, आंख की पुतली जो है वो थोड़ी फैली है। या कभी जब अधिकतर मतलब जब बाद प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो सिकुड़ जाती है, लेकिन जब कम होती है तो जैसे लगता है हमें थोड़ा सा, जब रोशनी कम होती है तो हमें लगता है कि आँखों को थोड़ा फैलाना पड़ता है। तो यही जो हमारी जो नेत्र की पुतली है उसका स्वतः ही अपने आप फैलना या सिकुड़ना जो होता है वही लेंस का की समंजन क्षमता कहलाता है। या जब वो पुतली हमारी सिकुड़ती है या फैलती है उसकी वजह से फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। तो ये भी कह सकते हैं या नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की घटना को ही क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब दूर बिंदु, अच्छा कोई भी जो व्यक्ति है वो जितना अधिकतम दूरी तक देख सकता है वही उसका दूर बिंदु है। मतलब देखने का मतलब है ऐसा नहीं, दिखाई तो हमें बहुत कुछ पड़ता है दूर तक लेकिन हमें स्पष्ट नहीं, जहाँ तक हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट देख सकते हैं उसे कहते हैं क्या, आँख का या नेत्र का अधिकतम मतलब दूर बिंदु। क्या कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु। अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है, अगर जिस हिसाब से अगर दूरी बढ़ती है तो उस हिसाब से अगर उसकी ऊँचाई बढ़ाए या उसकी मतलब वस्तु का आकार बढ़ाया जाए तो क्या होगा, वो अनंत तक उस हिसाब से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तारा हमें दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतनी दूरी पर होने के कारण हमें क्लियर तब भी वो तारा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दूरी के हिसाब से उसका, क्योंकि आकार बहुत बड़ा है तब वो हमें तारे के रूप में दिखाई पड़े। दूरबिंदु क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन निकट बिंदु क्या होता है, अब अच्छा आप अपने आँख के पास में उंगली बुक रखिए, बुक को पास में लेकर तेजी जाएंगे तो तब क्या देखेंगे कि एक निश्चित दूरी होगी, वहाँ से हमें अक्षर क्लियर नहीं दिखाई पड़ेंगे, पास में आ रहे हैं तब भी। तो इसे क्या कहते हैं, निकट बिंदु। तो जहाँ तक हम बुक को रख के आसानी से पढ़ सकते हैं उसे कहते हैं क्या, निकट बिंदु। तो स्पष्ट नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब बात करें दृष्टि विस्तार। तो जैसे कहा जाए मेरा विस्तार कहाँ तक है, तो हम जहाँ से मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, जैसे हम आपको नंबर दे दें एक से लेकर 100 तक दे दें तो संख्याओं का विस्तार क्या, 1 से लेकर 100 तक। तो वही तो नेत्र का विस्तार क्या होता है, या दृष्टि विस्तार की बात करें तो नेत्र का निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक जहाँ तक देख सकते हैं उनके बीच की जो दूरी हो गई वही कहलाती क्या, दृष्टि विस्तार। अब बात करें नेत्र सेल की, तो हमारा जो नेत्र है वो भी कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहेंगे, नेत्र सेल कहेंगे, नेत्र कोशिकाएं कहेंगे। लेकिन ये जो है मानव नेत्र में जो रेटिना की कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या, प्रकाश को किस सेल को, मतलब प्रकाश सुग्राही सेल होते हैं जिनसे ही वो निर्मित होता है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तभी वो हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, नहीं तो अन्यथा नहीं दिखाई पड़ती। तो वहाँ पे दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक दंडाकार होता है एक शंक्वाकार होता है। ठीक है, एक दंडाकार और एक शंक्वा, मतलब ये कह सकते हैं बेलन के रूप में होती हैं और एक शंकु के रूप में, मतलब बेलन का मतलब इस टाइप से हो गए, शंक्वाकार का मतलब इस टाइप से हो गई। ठीक है, अब इस टाइप की होती है। तो अब इनके कार्य होते हैं कुछ, तो इनके बारे में, तो जो हमारे दंडाकार सेल होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होते हैं। मतलब कितना ज़्यादा अगर प्रकाश आएगा तो उसको वो मतलब सिकुड़ने को भी वो मैनेज करने का, मतलब कितने तीव्रता है कितनी कम है तो उसको वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो हमारे संगवाकार होते हैं, अब हम क्योंकि हम देखते हैं कोई रेड कलर का है, मतलब कोई लाल कलर का है, कोई हरा है तो कोई नीला है, तो उनका जो कलर की एफिशिएंसी बताने का जो होता है वो कौन बताता है, शंक्वाकार सेल बताते हैं। तो अब यहाँ पे ठीक है, इससे पहले आपको हमने दोष के बारे में पढ़ाया था जिसमें दो दोष पढ़ाए थे, मुख्यतः वही दो पूछे ही जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा दोष होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है, मानव जब बूढ़ा होता है तो उसकी जो पुतलियाँ होती हैं उनकी जो समंजन क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है, मतलब वो फैलने और सिकुड़ने में थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। उसमें दोनों
मतलब निकट और दूर दोनों वाले गुण पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है, क्योंकि वो पतलियाँ सिकुड़ और फैल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसके लिए क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, आधे भाग में कह सकते हैं, ऊपरी भाग में क्या होता है अवतल लेंस होता है, नीचे वाले भाग में उत्तल होता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।